उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल अचल छडोल की पहाड़ियों पर भगवान की सोने की मूर्ति निकलने का दावा किया जा रहा है। आसपास के लोगों का दावा है कि लक्ष्मी नारायण की ये मूर्तियां पहाड़ी पर मिट्टी के नीचे से 1.5 फीट की खुदाई के बाद निकली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां से एक स्थानीय संत रतन नाथ पिछले 12 साल से यहां तपस्या कर रहे थे और उन्हीं के सपने में ये मूर्तियां दिखाई पड़ी थी, जिसके बाद यहां खुदाई की गई तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति निकल आई। इस दावे के बाद यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। लोग सोने की इस कथित मूर्ति के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। आसपास के लोगों ने इन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए एक पक्का चबूतरा बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वन विभाग ने फिलहाल ऐसा करने से मना कर दिया। ये विष्णु भगवान ये निकले हैं, यूं मतलब जो ये मतलब लड़के उधर बात कर रहे थे कि अपने यहाँ ऐसा मतलब जो प्रकट हुआ है, मतलब आज लोग देखने के लिए जा रहे हैं, अपन भी जाते हैं। तो यहाँ प्रकट हुई है तो फिर हमारे जो कोई गुरुमराज भी कह रहे हैं कि यहीं रहेगी, हमारे ग्रामीणों का तो ये है मतलब कि यहीं पे मतलब जो स्थान रहेगा, ऐसा हमारा निर्णय है। खुदाई में मूर्तियों के निकलने की बात प्रशासन के कानों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर किसी भी तरह का निर्माण न करने की हिदायत दी है, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा है, लिहाजा प्रशासन भी काफी सोच समझकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। इस मामले में पुलिस के साथ वन विभाग और पुरातत्व विभाग को भी शामिल किया गया है ताकि सच्चाई का पता चल सके। वो बता रहे हैं कि डेड फुट नीचे उसको सपना आया कि जमीन के नीचे गाड़ी हुई, डेड फुट के नीचे मूर्तियां पड़ी है और उस सपने के आधार पे वो वहाँ गए और वहाँ डेड फुट के नीचे मूर्ति मिली हो, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही है क्योंकि डेड फुट पहाड़ी के ऊपर डेड फुट की गहराई में ये मूर्ति मिलना संभव नहीं है। फिर भी ये मूर्ति का मामला है और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी जाँच की जा रही है कि वास्तव में ये कैसे और किस प्रकार से हुआ है और ये मूर्तियाँ कैसे यहाँ पे अंदर खुदाई अंदर जमीन के अंदर गाड़ी भी मिली है या कहीं से ला करके रख करके और निकाली गई है, इस संबंध में जांच करके। और चूंकि ये आस्था से संबंधित मामला है तो इसमें जल्दबाजी कुछ भी नहीं की जा रही है। प्रशासन SDM साहब को भी इतला की गई है, पुरातत्व वालों को और देवस्थान विभाग वालों को भी सूचित किया गया है। पहाड़ी से मूर्तियों का निकलना कोई चमत्कार है या फिर स्वार्थवश की गई शरारत, इसकी जांच की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही मूर्तियों का सच सबके सामने होगा। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से प्रताप सिंह की रिपोर्ट।